आपकी स्किन डैमेज होती है, आपकी स्किन पर रेडनेस हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, डार्क स्पॉट्स बन सकते हैं, या एक्नी जो है ना वो डेवलप हो सकती है। आप कोई देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं, कोई क्रीम, आजकल क्या कहती हैं लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही हो तो वो ये कहती है जी ये क्रीम आप प्लस करें, उनको मिक्स करें, वो आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर दें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर फरीद गुमन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आपकी जो बॉडी में सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है वो होती है आपकी जो फेस की स्किन है वो। अब जो मेल है और फीमेल है, फीमेल की स्किन जो होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है और खास करके जो फेस का पार्ट होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। आप उसके ऊपर कोई भी चीज अप्लाई करते हैं, कोई ऑइंटमेंट, कोई जेल, कोई क्रीम, वो सबसे पहले एक प्रॉपर रिकमेंडेशन से आप करें। उसके बाद डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा कोई एक्नी है, कोई डार्क स्पॉट्स हैं, उसके लिए कोई क्रीम ऑइंटमेंट जो भी बताएगा उसको एक प्रॉपर जो है वो डायरेक्शन के थ्रू आप इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता, स्किन खराब होती है और स्किन खराब होने की जो मेन वजूहत हैं वो तीन होंगी। अब सबसे पहली वजूहत ये है कि आप कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल करते हैं या ऐसी कोई जेल अप्लाई करते हैं फेस पे जिसका नुकसान ज्यादा है और उसका फायदा आपको कम होता है। आप जल्दी के चक्कर में ज्यादा जल्दी रिजल्ट आए आपको किसी क्रीम का या जेल का जो आप लगा रहे हैं, आप स्टीरॉइड को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि वो अप्लाई कर देते हैं आप अपनी स्किन पे, जिसकी वजह से मनफी असरात आपकी स्किन पे पड़ते हैं और आपकी स्किन डैमेज होती है, आपकी स्किन पर रेडनेस हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, डार्क स्पॉट्स बन सकते हैं, या एक्नी जो है ना वो डेवलप हो सकती है, पहले नहीं थी वो साइड इफेक्ट के तौर पे आपकी स्किन पे उभर जाती है। तो ये एक बड़ा कॉमन जो है वो स्किन खराब होने का रीजन है। अब दूसरा रीजन एक और है, वो रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपकी जो स्किन है वो सन से एक्सपोज होती है उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर आप कोई काम कर रहे हैं और काम आपका ऑफिस वर्क नहीं है, ठीक है, तो आप कॉन्स्टेंटली अगर आपकी जो स्किन है वो सन के सामने रहती है तो उससे क्या होता है आपकी स्किन डैमेज होती है। एक ये है कि जो वर्किंग वीमेन होती हैं वो घर में किचन में ज्यादा देर रहती हैं, उसकी वजह से जो हीट होती है वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती है। ये दो चीजें हैं, ये खराब करेंगी आपकी स्किन को। और एक रीजन और है, वो रीजन बड़ा देसी सा रीजन है। देसी रीजन कैसे मैं कह रहा हूं उसको यह है कि आप कोई देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं, कोई क्रीम, आजकल क्या कहती हैं लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही हो तो वो ये कहती है जी ये क्रीम आप प्लस करें, उनको मिक्स करें, वो आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर दें, कोई दही लगाएं, कोई मतलब इस तरह की कोई भी चीजें जो देसी चीजें होती हैं। अब उनका क्योंकि वो प्रॉपर सोर्स नहीं होता कि वो आपके लिए इफेक्टिव है, वो भी इस तरह करती हैं, कोई कॉम्बिनेशन उसमें बना के वो आपकी स्किन को खराब कर दे।